5 दिसंबर 2023 ये दिन राजस्थान में ही नहीं बोले पूरे देश में इस दिन को कोई भूल नहीं पाएगा। सुखदेव सिंह गोगामिणि श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर में घुसकर गोलियां मारी गईं और पूरे प्रदेश और देश में सड़कों पर उतरा राजपूत समाज। हालात जब हाथ से बाहर जाने लगे, सरकार के नुमाइंदे बीच में आए और दोनों के बीच में समझौता हुआ और यूं लगा कि माना सब कुछ जो है वो शांत हो गया, लेकिन 80 दिन बाद एक बार फिर सुखदेव सिंह गोगामिणि की विधवा आज प्रेस के साथ हैं और वो गुहार लगा रही हैं कि उनकी वो मांगे, वो समझौते जो उस वक्त सरकार ने हाँ भरी थी, आज तक उनसे मिलने और उनसे पूछने कोई नहीं आया है। आइए सीधे आपकी बातचीत शीला शेखावत से कराते हैं। शीला जी, क्या तो विषय है, क्या स्थिति अभी है, 80 दिन हो चुके हैं। सर देखिए, 80 दिन के होने के बावजूद अभी तक हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। और जैसे सीएम साहब से मिलने का टाइम मांगा तो चलो, उनको तो काम हो गया, वो बाहर भी चले गए थे, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि अब हमारी मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए, हमें न्याय मिलना चाहिए। और जो लोग, जो हत्यारे, जिन्होंने किसी ने तो हथियार दिए हैं, कोई जिम्मेदारी ले रहा कि हमने मरवाया, उन लोगों को ला करके अब फांसी दी जाए। गिरफ्तारी तो तुरंत ही कर ली गई थी। नहीं, वो दो जन की ही हुई है, बाकी तो बाहर ही है ना। बाकी लोग तो, कोई तो कनाडा के लिए बोल रहे हैं, वहाँ बैठा है, कोई लॉरेंस बिश्नोई के लिए बोल रहे हैं, कोई संपत नेहरा के लिए बोल रहे हैं। तो अगर वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो आप लोग लाते क्यों नहीं हो इनको NI की जांच से। मैं यही तो कह रही हूँ, अगर बाहर से आपको अथॉरिटी है, आप बाहर से ला सकते हो क्रिमिनल को, तो फिर आप लाते क्यों नहीं हो? किस चीज़ का इंतजार है आप लोगों को? एक तो आपकी मांग हो गई कि जो बचे हुए क्रिमिनल है उनको लाया जाए। ठीक, आपके परिवार की इस वक्त क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति कैसी है आपकी, क्योंकि आपकी एक मांग शायद आर्थिक मदद की भी थी। नहीं, आप ये बताइए कि घर में एक कमाने वाला चला जाए तो उसके बाद में स्थिति क्या ही होगी। मतलब हमारे परिवार में मेरे हस्बैंड, मैं और हमारे दो बच्चे। अब बच्चे कितने बड़े बड़े? एक 12 साल की है और एक 6 साल की। दोनों बेटियां हैं जी। तो एक बात बताइए, उनके ना तो अभी पढ़ाई पूरी हुई बच्चियों की, ना ही हमारे घर का कोई काम हुआ, क्योंकि हमें ऐसा थोड़ी ना पता था ऐसा कोई कांड हो जाएगा। हम तो नेचुरल जो हम लोग लाइफ जीते हैं वो जी रहे थे आराम से, लेकिन अब हमें ये बताइए कि अब हम क्या करें भाई। हम अगर हमारी मांगे ना मनवाएं, घर में बैठ जाएं, तो फिर बच्चों को क्या खिलाएं, कैसे फीस भरें उनकी, स्कूल में जाकर के स्कूल वालों को क्या ही बोलें। मतलब आज अगर देखा जाए तो हमें हर चीज़ की तरफ से परेशानी है। मतलब समझते हो आप लोग, समझदार हो, कि आज हम इस परिस्थिति में हैं कि हमें हर तरफ से परेशानी हो रही है। उस दिन सड़क पे जब आप बैठे थे तो आपके साथ में दुनिया खड़ी थी, आज जब आपकी स्थिति खुद सड़क पे आने वाली हो रही है तो कितने लोग हैं और कितने नेता आपके साथ खड़े हैं? नेताओं का मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो मेरे समाज, सर्व समाज है ना, वो आज भी खड़ा है और दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। वो सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं बोलूं और कब वो रिएक्शन हो। अब आपकी क्या मांगे, अब आप क्या चाहते? अब मैं यही चाहती हूँ, या तो हमारी मांगे मान ली जाएं। प्रमुख क्या मांगे? प्रमुख मांगे, एक तो हमारे जो गवाह हैं उनको सिक्योरिटी दी जाए, और जो सरकारी नौकरियों की हमें भाई हामी भरी गई थी, वो सरकारी नौकरी दी जाए। शीला जी, आपने कहा गवाहों को सुरक्षा मिले, आपको क्या ऐसा लगता है कि गवाहों के ऊपर भी कोई खतरा है? बिल्कुल सर, जब गवाह ही नहीं होंगे तो केस तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। गवाहों की सुरक्षा हमें पहले चाहिए, मतलब आज या कल से ही हमें गवाहों के लिए सुरक्षा चाहिए। और आर्थिक जो पैकेज सरकार दे रही है, सबको दे रही है, वो तो हमें भी देना चाहिए, तो वो मांग तो है ही है। नौकरी की भी मांग थी उस समय में, जो हाँ भी नौकरी के लिए बोला था, तभी तो मैं कह रही हूँ कि भाई सरकारी नौकरी के लिए बोला, मुआवजे के लिए बोला, और मतलब लाइसेंसों के लिए भी बोला था, जो कि लाइसेंस बोलेगी हथियारों के, आपको लाइसेंस दिए जाएंगे जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हथियार चलाएगा कौन, लाइसेंस मिल जाएंगे? सर लाइसेंस, अरे चलाने की बात कहाँ है। अब एक बात बताओ, जब श्यामनगर में मेरे पति को मारने के लिए आए, वो पूछ के आए थे क्या? वो पूछ के थोड़ी ना आए थे कि भाई कैसे चलाएंगे, कैसे मारेंगे। अगर हमारे पास होगा तो
हो सकता है मुझे चलाना नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं ट्राई तो करूंगी ना। डरा तो सकती हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। और आपकी क्या मांगे जो रह गई आप बताइए। अगर ये सरकार आपकी मांगे, सरकार कुछ भी आपसे मुलाकात नहीं हुई है, कोई चर्चा नहीं हुई है उस दिन के बाद से? नहीं, दिया कुमारी जी से बात हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को तत्काल पूर्ण किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। कम से कम 7-8 दिन की बात हो चुकी, वो अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। और मैं आशा करती हूँ कि भाई 2-1 दिन में हमारी मांगे पूरी हो जाएं, नहीं तो फिर देखो आर्या पारवाड़ा हो ही गया। 3 मार्च को मैं निकल पड़ूंगी, अब कोई आए या ना आए, लेकिन एक महिला अपने पति के लिए सड़कों पे आएगी तो आपको पता है जनता तो ऑटोमेटिक आएगी। अब सर्व समाज की मैं जब भी इनको बुलाऊंगी तो वो लोग मेरे साथ आएंगे। कोई आए या ना आए, पर एक महिला अपने पति के लिए न्याय मांगने सड़कों पे उतरेगी तो उसका साथ देने के लिए लोग अपने आप सड़कों पे आएंगे, ये कहना है शीला शेखावत का। 3 तारीख से धरना देने की है चेतावनी, स्पष्ट कर दिया है, या तो सरकार आने वाले 2 या 3 दिन में मांग माने, नहीं तो सड़कों पे उतरकर एक बार फिर धरना दिया जाएगा। अब ये धरना कैसा होगा ये समय तय करेगा। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।